क्या बताना चाहते हो तुम रसिक भाई? बताइए ना रसिक भाई, बात क्या है? बहना, ये जो तुम्हारी बहू है ना, मम्मी जी, मैंने अपने हाथों से खीर बनाई है, जरा चख के बताइए ना कैसी बनी है। आइए ना। नहीं पवित्रा, अभी नहीं, बोलो ना रसिक भाई। अरे तुम्हारे बहू की इसी खूबी के बारे में तो बताना चाह रहा था। तुम्हारी बहू क्या गाना, ये क्या खाना बनाती है, वाह। अरे मंदिर के लिए जो प्रसाद बनाती है ना पवित्रा, उसकी चर्चा तो पूरे राजपीपला में है। अच्छा, तो फिर मैं अपनी बहू के हाथ का बना हुआ प्रसाद एक दिन जरूर खाऊंगी, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी मैंने जरूरत से ज्यादा भोजन कर लिया है, फिर कभी। अरे पवित्रा, इतनी देर से मैं पानी मांग रही हूँ, जाओ ना मेरे लिए पानी लेकर आओ। जी मम्मी जी, अभी लाती हूँ। अजीब सी दुविधा में पड़ गया हूँ बा, अगर मेनका के हक में फैसला लेता हूँ तो सावित्री के साथ अन्याय होता है, पर मेनका को समझाना मेरे बस में नहीं है। सबको मेरे फैसले का इंतजार है, दोनों ही तरफ मेरे अपने हैं, समझ में नहीं आता किसका साथ दूं किसका नहीं। फैसला बिल्कुल साफ है बेटे, इस जायदाद का असली हकदार खानदान का वारिस युवराज ही है, अब आगे तेरी मर्जी, वही होगा जो तू चाहता है, फैसला तो तुझे ही करना होगा। मेनका, क्या तुम नहीं चाहती कि हमारी बेटियां कभी किसी के रहमो करम की मोहताज न हो? मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन मैं अपने बेटे का हक छीनकर किसी और को नहीं दे सकती। इन घर की बेटियों की जिम्मेदारी उठाने से कहाँ पीछे हट रहा है युवराज, और आगे भी वो ऐसा करता रहेगा। आप क्यों चिंता करते हैं? चिंता तो आपको अपने बेटे युवराज की करनी चाहिए, जिसके साथ आप इतना बड़ा अन्याय कर रहे हैं। मेनका, अगर मैंने अपना सब कुछ अपने बच्चों में बराबरी से भी बांट दिया तब भी युवराज को कभी दौलत की कमी महसूस नहीं होगी। बेटा है वो मेरा, मैं उस पर अन्याय होने नहीं दूंगा, मुझ पर भरोसा तो रखो। बस मैं इसके आगे कुछ नहीं सुनना चाहती, आपको आपके बेटे को उसका हक देना ही होगा। तुम मुझे कभी समझ नहीं पाओगी। कभी अपने आप को इतना बेसहारा बेबस नहीं पाया मैंने। सावित्री, मैं, मुझे अपनी बेटियों की परवाह है,
जायदाद में उन्हें उनका हिस्सा देना चाहता हूँ मैं। इस परिवार से कभी अलग नहीं समझा मैंने उन्हें। समझ नहीं पा रहा हूँ क्या करूँ। आपका दिल क्या कहता है? शायद अपने दिल की आवाज सुन नहीं पा रहा हूँ मैं। मेनका की जिद के आगे मैं हार गया हूँ। तुम तो मुझे समझ सकती हो। जिंदगी के हर मोड़ पे तुमने मेरा साथ निभाया है। मैं जानता हूं आज मैं गलत फैसला लेने जा रहा हूं। अपनी बेटियों से उनका हक छीनने जा रहा हूं। मैं मजबूर हूं। क्या आज भी तुम मेरा साथ दोगी? मुझसे नफरत तो नहीं करने लगोगी ना? कैसी बातें कर रहे हैं आप? सावित्री, मैं तुमसे विनती करता हूं, अपनी से छोड़ दो अपनी से। मैं जानता हूं मैं तुम्हें एक और समझौता करने पर मजबूर कर रहा हूं, लेकिन मुझे माफ कर दो सावित्री। अब जो भी फैसला लेंगे वो मुझे मंजूर है। आप ये जायदाद युवराज के नाम कर दीजिए। मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त माँ को कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ एक और उनकी बेटियों का हक है तो दूसरी ओर उनकी पति की कश्मकश। हमारी ये लड़ाई तो अपनों के लिए ही है। दूसरों की बुरी नीयत के तूफान से अपनों को बचाना चाहते हैं, इसलिए माँ को ये जंग जारी रखनी होगी कि अगर हमने हार मान ली तो सारी जायदाद युवराज के नाम हो जाएगी। करोड़िया परिवार की मेहनत से कमाई गई जायदाद पवित्रा के हाथों चली जाएगी। और ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। पवित्रा के खिलाफ हमें जल्द से जल्द सबूत इकट्ठे करने होंगे। अब तक कोशिश तो बहुत कर चुके हैं हम, लेकिन कोई भी सबूत हमारे हाथ नहीं आए। इससे पहले कि अफसोस करने के अलावा हमारे पास और कुछ भी बाकी ना रहे, युवराज और पवित्रा की असलियत हमें पूरे परिवार के सामने लाने ही है। लेकिन ये सब होगा कैसे? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इस वक्त किसका फोन हो सकता है? मैं देखती हूँ। हेलो, हाँ, क्या? हाँ, हम बस अभी आ रहे हैं। ओके, बाय। गौरी दीदी, किसका फोन था? कहाँ जाने की बात कर रही थी? लक्ष्मी, करण का फोन था। वो कह रहा था कि पवित्रा की असलियत जाहिर करने का एक अहम सबूत उसके पास है। क्या? उसने उस आदमी को पकड़ लिया है जो पवित्रा की सच्चाई का चश्मदीद गवाह है। लक्ष्मी, अब करण ही हमारी इस परेशानी को दूर कर सकता है। नहीं, मुझे नहीं लगता हमें इसकी बातों पे भरोसा करना चाहिए। लक्ष्मी, इस वक्त करण पर भरोसा करने के सिवाय हमारे पास और कोई चारा नहीं है। लक्ष्मी,
अब जो भी हो हमें करण से मिलना ही होगा। लक्ष्मी, उसे अपनी बात साबित करने का एक मौका तो दो। अब चलो दुर्गा, चलो चलो जल्दी लक्ष्मी। अरे दीदी सुनिए तो, सावित्री तुम भी बैठो। नहीं मैं वो इन सब कामों के लिए माधव काका है। तुम आओ बैठो हमारे साथ नाश्ता करो। जी मैं अभी आती हूँ। बैठो। आप जूस लीजिए। बस 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 बस। लो लो तुम। हाँ ले रही हूँ। इन्हें क्या हो गया है आज? सावित्री बहन पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहे हैं। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक है। लो तुम जूस पी लो। मैं माधव काका से कह दूंगा वो रोज नाश्ते में तुम्हें जूस दिया करेंगे, मौसम्बी का जूस। पहले तो सर ठीक है। कई दिनों से मैं देख रही हूँ कि आप इस घर में मेरी जगह लेने की कोशिश कर रही हैं। ऐसा ख्वाब देखना छोड़ दीजिए क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मत भूलिए इस घर में मेरा औहदा क्या है और आपका क्या। आपको कुछ गलतफहमी हुई है मेनका बेन, मैं किसी की जगह लेने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं जो कर रही हूँ वो मेरा फर्ज है। और रही बात इस घर में मेरे औहदे की, तो मैं इस घर की बड़ी बहू थी और आज भी करोड़िया परिवार की बड़ी बहू हूँ। ये बात आप कभी मत भूलिएगा। सावित्री बहन, आप मेनका का मुकाबला नहीं कर सकती, समझी आप? मेनका भाभी, हल्की बहन, मुझे आपकी हमदर्दी नहीं चाहिए, अपनी हमदर्दी अपने पास रखो। नहीं चाहिए तो मत लो, जब सावित्री भाभी के हक छीन रही थी तब तो बुरा नहीं लगा था। हाँ। अब पलट के खुद पे आई है तो तकलीफ हो रही है। जैसी करनी वैसी भरनी। ये तो पवित्रा के मामा है। बोल, तू पवित्रा के बारे में क्या जानता है? मैं तेरा खून पी जाऊंगा। तू मुझे जानता नहीं है, मैं हूँ डॉन। बोल क्या जानता है तू? मैं बोल। देखो पवित्रा के बारे में तुम जो कुछ भी जानते हो चुपचाप बता दो वरना।
बोल रही है, तुम सब जानते हो। करण, अरे अबे ओए, अबे ओए, कहाँ भाग रहे? मेरे आदमी चारों तरफ फैले हुए हैं, तुम मुझसे बच के नहीं जा सकता। करण रुको रुको, रुक जाओ, जाने दो उसे। लक्ष्मी तुम पागल हो गई हो? कितनी मुश्किल से मैंने उसको पकड़ा था, ऐसे कैसे जाने दो? हाँ करण, उसे पकड़ने से बेहतर होगा कि हम उसका पीछा करें ताकि हमें कुछ सबूत मिल जाए। चले चलो। जानती इस पूरी की पूरी कहानी का इस कोठे से बहुत गहरा ताल्लुक है। तुम्हें पता था, लेकिन मुझे लगा कि सिर्फ मुझे ही पता है। मेरा मतलब क्या पता था तुम्हें? और तुम्हें ही मालूम था, राइट? मुझे करण, ये वक्त मजाक करने का नहीं है। एक्सक्यूज मी, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये कोटा हमारे परिवार के लिए एक पहेली बन गया है। हर बार ये कोटा हमारे परिवार के रास्ते में आ जाता है। पहले गौरी दीदी इसी कोठे से पकड़ी गई, फिर पवित्रा का नाम इस कोठे से जुड़ गया। ऐसा लगता है जैसे कई राज जुड़े हैं इस कोठे से, जिनका पर्दाफाश होने का वक्त आ गया। कहते हैं ना, जहां धुआं होता है वहीं चिंगारी होती है, और ये जो धुआं नजर आ रहा है इसे चिंगारी तक पहुंचाने का रास्ता हमें इसी कोठे से मिलेगा।
ना।